हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 4 मार्च 2020 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे कई सारे कोर्सेज और ढेर सारी टेस्ट सीरीज अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग बुक्स के, अलग अलग एनसीईआरटी क्लासेस की अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। देखो, पहला आर्टिकल हमारा कोरोना वायरस पे ही है। कोरोना वायरस पे बेसिकली आपको पता है कि दिल्ली, हैदराबाद और जयपुर से नए केसेस निकल के आए, और जयपुर में तो एक इटालियन टूरिस्ट था। 6 नंबर टोटल हो गए हैं जो ये संक्रमित पाए गए हैं कोरोना वायरस से। अब कोरोना वायरस नेगेटिव निकलता है, पॉजिटिव निकलता है, ये तो चेकिंग होगी जब पता चलेगा। पहले 3 केसेस केरला से निकल के आए थे, जो कि चाइना से यंग एडल्ट्स ट्रैवल करके आए थे, और फिर जो है देखा गया कि अलग अलग कंट्रीज़ में से भी लोग आए हैं। अब इनका जो वायरस है वो बेसिकली भेजा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कंफर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद में ही आएगा क्या है क्या नहीं है। बेसिकली देखो, एक चीज़ जो यहाँ पे आपके मेंस के लिए ज़रूरी है वो ये, एक तो हेल्थ मिनिस्टर का इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम चलता है, और ये काफ़ी मददगार है सरकार को ट्रेस करने के लिए उन लोगों को जो कि 6 जो पीड़ित निकल के आए हैं वो कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिले, उन लोगों को ट्रेस करने के लिए। भाई जैसे वो जो जयपुर का आदमी था वो कहीं और गया होगा, रास्ते में आया होगा, कई लोगों से जो है हाथ मिलाया होगा, घर पे गया होगा, रिश्तेदारों के गया होगा, फ्रेंड्स के गया होगा, तो उन सबका जो है कन्फर्मेशन यहाँ पर लेना पड़ेगा। और बेसिकली 26,000 पैसेंजर्स को स्क्रूटनी पर डाल दिया गया, कम्युनिटी सर्विलेंस पर डाल दिया गया। तो हमारा जो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम है वो तो अपने चरम पे चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग भाग नहीं जाएं, क्योंकि ऐसा हुआ है कि केरला में 2 एडल्ट्स थे जो कि देश को छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए अननोटिस्ड। तो थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पता लगा दिया जाएगा कि भाई ये इनको कोरोना वायरस हुआ है। भाई जैसे कोरोना वायरस 14 दिन के बाद पता चलता है कि ये हुआ है, उससे पहले सिम्टम्स नज़र ही नहीं आते, तो फीवर तो फिर भी डिटेक्ट कर लेते हैं एक बार हम ये स्क्रीनिंग वगैरह पे कि इनको फीवर है, लेकिन इन्फेक्शन है कि नहीं है इसके लिए फर्दर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। और अगर ऐसा हो कि इन्फेक्शन पता चला या फिर फीवर हो तो इमीडिएट मेडिकल केयर के तरफ जाना चाहिए। और अगर सिम्टम्स भी शुरू होने लग गए कि भाई बुखार हो गया, फीवर हो गया, फिर खांसी हो गई, फिर जुकाम हो गया, तो आपको जो है फिर टेस्ट कराना चाहिए। और बेसिकली मेडिकल इंक्यूबेशन पीरियड जो है इन्फेक्शन का 3 दिन के बाद है, और इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 3 वीक तक भी रह सकता है कि भाई आपके जो सिम्टम्स जब तक दिखें, आप जो है जब तक आपको पता चले कि बीमारी हुई है, तो 3 दिन तक आप बिना टेस्ट कराए रह सकते हो। और इन्फेक्टेड पीपल वैसे कि ऐसे मैं बताऊँ ना आपको कि सिम्टम्स शो नहीं करते इंक्यूबेशन पीरियड में। इंक्यूबेशन पीरियड में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मेरे अगर मान लो किसी को कोरोना वायरस हो गया तो 14 दिन तक तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि 14 दिन तक भी हो जाता है, ऐसे तो 3 दिन बोल रखा है कि कोरोना वायरस है। तो थर्मल स्क्रीनिंग इसलिए जो है फेल हो जाती है क्योंकि जिसको मान लो कोरोना वायरस हो गया, जिसको 14 दिन से ज़्यादा हो गए, तो उसका तो डिटेक्ट हो जाएगा, और किसी को शुरू ही हुआ है तो उसका डिटेक्ट नहीं हो पाता। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी सरकार जो है इस तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है, और 12 कंट्री से जो पैसेंजर्स आ रही है उनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रही है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है जानना कि जो लोगों को ये बताना कि पीपल और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको अवेयर भी करवाना ज़रूरी है कि ये जो मोलिकुलर टेस्टिंग हो रही है इसमें हाई सेंसिटिविटी नहीं है। केस ऐसे आए थे अभी पिछले कुछ दिनों में जिसको कोरोना वायरस पॉजिटिव था, यानी कोरोना वायरस था लेकिन उसको नेगेटिव बता दिया, बाद में पता चला है तो कोरोना वायरस पॉजिटिव है। तो कभी कभी जो है गलत रिजल्ट भी सामने आ जाते हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2 नेगेटिव टेस्ट आए तब जाके अनइन्फेक्टेड घोषित या सर्टिफाई उस व्यक्ति को किया जाए। कोरोना वायरस पे दूसरा आर्टिकल, और दूसरा आर्टिकल आपके मेंस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें बात हो रही है कि डील कैसे करेंगे। अब तक हम आर्टिकल पढ़ते थे डील करो डील करो डील करो कोरोना वायरस के साथ, अब बात डील कैसे करेंगे।
कन्फर्म्ड केसेस आए हैं, इतने सब डाटा है, डाटा हमको पढ़ना नहीं है। हम बात करते हैं इंडिया में कैसे सिस्टम की जो है यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल हमको करना चाहिए। हमको पता था भारत में, हमको पता था कि जो वायरल स्प्रेड है बहुत तेज़ी से होएगा और इसकी यूनिकनेस ऐसी है कि रेस्पिरेटरी पैथोजिन है, सांस के साथ ही अंदर चले जाता है, जितना आप लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा यह फैलता जाएगा। तो हमको कोऑर्डिनेटेड कोहरेंट सस्टेन्ड रिस्पॉन्स चाहिए। अभी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो डिसीज़ एपिडेमिक स्टेटस भारत में नहीं पहुँची हो, एपिडेमिक मतलब अनएक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड जो है वो नहीं हो, अनएक्सपेक्टेड आउटब्रेक हो जाए किसी डिसीज़ का, तो एपिडेमिक और किसी पर्टिकुलर रीजन में तो एपिडेमिक हो गई। पूरी दुनिया में अगर हो रहा है तो पैंडेमिक हो गई, कोरोना वायरस पैंडेमिक नहीं है अभी, एपिडेमिक है। इंडिया में एपिडेमिक स्टेटस इसका नहीं पहुँचा है, तो हमारे पास वक्त है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहे और इस रैपिड स्प्रेड को रोक सकें, रिस्पोंड कर सके। पिछले एक दशक में हमने निपाह के, स्वाइन फ्लू के वायरस भी देखे हैं, आउटब्रेक भी देखे, और बेसिकली अगर इनको रोकने के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बाद में भी हमको काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड देता है। हमने एक बीमारी को रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हेल्थ केयर वर्कर्स दिए, अच्छे से काम किया, तो हमको एक्सपीरियंस मिलता है, प्लस साथ में हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो नज़र आती है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी इसका फ़ायदा नज़र आता है। प्रिपेयर्डनेस आपकी पहले से अगर तैयारी हो तो आपका हेल्थ सिस्टम प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकता है ताकि आउटब्रेक का एडवर्स इम्पैक्ट रोक सके, पूरी तरह रोक भी नहीं सके तो कम कर सके। COVID-19 कोरोना वायरस ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने सिस्टम्स को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए रेसिलियंस बना सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कोरोना वायरस से कि सरकार के पास, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अब तक कितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, कितना ज़्यादा इसके पास प्रिपेयरनेस है, और अगर नहीं है, अगर हाथ से निकल रही है तो फ्यूचर के लिए एक जो है एक इशारा मंत्रालय के पास और जनता के पास जाएगा। अब रिस्पॉन्स कैसे करना है, राइटर यहाँ पे बता रहे हैं। देखो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाए आउटब्रेक की, वैसे वैसे करना है। कैसे? शुरू में अगर देखो अभी जो 6-7 केसेस आ रहे हैं तो इसमें तो क्या हो सकता है कि ठीक है यार, ट्रेवल रिलेटेड केसेस हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग कर दो, एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग कर दो, और केसेस जो सस्पेक्ट किए जा रहे हैं, जिनमें सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उनको जो है टेस्ट करो, और साथ में वो जिन जिन लोगों से मिलके उनको ट्रेस करो ताकि वाइडर कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं हो पाए। लेकिन दूसरी स्टेज तब आती है जब ये आउटब्रेक अचानक से कम्युनिटी वाइड लोकल ट्रांसमिशन में फैल जाता है, यानी कि ये है ना, ट्रैवलिंग से असर नहीं पड़ता। जैसे मैं, अगर कोई आदमी इटली से जयपुर आया, जयपुर में उसने 10 लोगों से उसने बात की, 10 लोगों को हो गया, फिर 10 लोगों ने 100 लोगों को कर दिया, तो कम्युनिटी वाइड अगर लोकल ट्रांसमिशन होता है तो फिर जो है यहाँ पे टेस्टिंग यहाँ पे कम पड़ जाएगी, और बेसिकली टेस्टिंग की ज़रूरत यहाँ पे कम होगी और लेबोरेटरी कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो रिस्पॉन्स हमारा फिर चेंज हो जाएगा। पहले हमने टेस्टिंग पे थे, हम सोचते थे कम से कम जो है लोग इन्फेक्ट हो, अब हमारा उसको मिटिगेशन पे हो जाएगा कि भाई अब है ना कि हम मिटिगेट तो करेंगे, साथ में भी देखेंगे कि हेल्थ सिस्टम क्रम्बल नहीं हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्रम्बल नहीं हो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है क्रिकेट टीम का, आपके पास एक भी जो है आपका खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है, आपके पास पावर प्ले, तो आप अपनी मर्जी से छक्का चौका मार के जैसी मर्जी चाहे अपने हिसाब से गेम को जीत सकते हो, लेकिन अगर आप जैसे जैसे विकेट लूज करते जाओगे वैसे वैसे आप रन भी काटने लग जाओगे, 1 और 2 भी बनाने लग जाओगे ताकि जो है फटाफट आपके रन बने। तो इसी तरीके से यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम में होगा कि शुरू में तो आप टेस्टिंग और स्क्रीनिंग कर लो, बाद में आपको लेबोरेटरी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और आपको जो है यहाँ पे पूरी तरीके से स्प्रेड होने से रोकना पड़ेगा। क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? इंडिया का एक फ्रेगाइल हेल्थ सिस्टम है जो फ्रेगमेंटेड है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड और कोहरेंट रिस्पॉन्स लाएं। अब एक कोऑर्डिनेटेड कोहरेंट रिस्पॉन्स क्या होता है? पहली बात तो कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन बना रहा है किसके बीच में? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, साथ ही साथ पुलिस, फायर, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, फूड सप्लाई भी जरूरी होती है, इनके बीच में भी जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे, अपनी तरफ से सब डिपार्टमेंट मदद करें, एक दूसरे को जो है हेल्प करें, रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 मरीज निकले, 10 मरीजों को पकड़ के ले गए, पता नहीं कहाँ ही आइसोलेशन में रख रहे हैं, है तो टेस्टिंग और स्क्रीनिंग भी जो है बहुत गलत तरीके से हो रही है। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी रहनी चाहिए, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन हमारा रहना चाहिए।
तो हमको कोऑर्डिनेटेड, तो हमको ये दिख गया कैसे काम करना है। पहली बात तो कोऑर्डिनेटेड कोहेरेंस रिस्पॉन्स होना चाहिए, दूसरा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, तीसरा रिस्पॉन्स जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे होना चाहिए, और चौथा ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड होना चाहिए और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये इस तरीके से रिस्पॉन्स होना चाहिए। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो कि बेसिकली अगर लार्ज नेचुरल कैलमिटीज आ जाती है जैसे फ्लड आ गया, ड्रोट आ गई, तो तूफान वगैरह जो आ गए, साइक्लोन वगैरह आ गए, तो इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की, और स्टेट में भी कई कमेटीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो बेसिकली इस कमेटी को आगे आना चाहिए और सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के साथ काम करना चाहिए, और डेडिकेटेड वेब पोर्टल भी डालना चाहिए ताकि यहाँ पे जो है गाइडलाइंस, रिस्क कम्युनिकेशन, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बीमारी के सिम्टम्स क्या है, प्लान क्या है और किस तरीके से काम किया जा सकता है, ये सब जो है बता सके। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी और फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन आज जरूरी है, क्योंकि देखो आज व्हाट्सएप पे मैंने सुबह सुबह वीडियो बनाने से पहले मैं पढ़ रहा था कि एक ने जो है मैसेज किया था ग्रुप में कि मीठे मीठ, हाँ ऐसे तो सही था कि अभी मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ओरिजिनल नॉलेज, लेकिन मैंने देखा कि मिठाइयाँ ना खाएँ, दूध वूध ना पिए, देखो ये सब चीज़ें गलत है। दूध वूध ना पिएंगे तो खाने की चीज़ों से नहीं होगा कुछ भी, हाँ मीट वगैरह नहीं खाएं लेकिन जो हैंडशेक नहीं करें और खांसी जुकाम से दूर रहें, लोगों बीमार लोगों से दूर रहें, तो ये ज़रूरी है। तो रूमर्स और अफवाह जिस तरीके से फैलती रही है इसके लिए फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन जरूरी है, और वो कहाँ से आएगी, जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी अपना वेब पोर्टल बनाएगी। तो मैंने आपको 6 बता दिए रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है, मेंस में आ जाए किसी भी डिसीज के लिए सीधी सीधी ये चीज़ लिख देना, बहुत अच्छा मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। इबोला का एग्जांपल आप ले लो ना, देखो इबोला का खतरनाक काम हुआ था 2014-15 वेस्ट अफ्रीका में इबोला हुआ था, इलाज करने वालों को भी हो गया था, और इसमें जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हेल्थ पे हुआ था, डॉक्टर्स बीमार होने लगे, हेल्थ सिस्टम पूरा बर्बाद हो गया, हेल्थ रिसोर्सेज पूरे इबोला को रोकने में लग गए, और इस वजह से जो है इबोला तो फिर भी रुक गया लेकिन जो है और बीमारियां बढ़ने लग गई। तो इबोला से हम क्या सीख सकते हैं, यहाँ पे इबोला से हम सीख सकते हैं कि आप कोरोना वायरस का इलाज करने में अपनी पूरी ताकत लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि और बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाएं फिर, कि भाई अपने सारे हेल्थ रिसोर्सेज तो कोरोना वायरस में लगा दिए, किसी को अगर मलेरिया, डेंगू, किसी को ये हो रहा है तो उसको जो है पूरी तरीके से छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेलीकेट बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब यहां पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल क्राइसिस समिति के साथ बात करनी चाहिए, चेक करना चाहिए कि चाइना के जैसे मेजर जो है इंडियन कंटेक्स्ट में अवेलेबल है, या फिर चाइना के जैसे हम कर सकते हैं काम, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना इफेक्टिव है। तो चाइना ने जिस तरीके से काम किया, क्या उसको उस तरीके से करना चाहिए। तो बेसिकली पब्लिक हेल्थ मेजर्स और जिनको इम्पैक्ट किया गया है, जो कि बीमार हैं, जो कि इस डिसीज से पीड़ित हैं, उनके राइट्स का भी उनको ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको 6-7 पॉइंट बना दिए किस तरीके से सरकार को ऐड करना चाहिए, और किसी भी डिसीज, कोरोना वायरस नहीं, किसी भी डिसीज के बारे में आ जाए कि किस तरीके से रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसमें आप ये कर सकते हैं। अब एक कोरोना वायरस के अलग से मैं बात करूँ, क्योंकि ना इसकी कोई वैक्सीन है ना कोई उसका इलाज है, तो रिस्पॉन्स प्लान जो है बेसिकली वो केवल इसी पे ही डिपेंड करता है कि रिस्क कम्युनिकेशन कितना है, हेल्थ एजुकेशन कितनी है, सोशल डिस्टेंस कितना है, होम आइसोलेशन कितना है, ताकि आउटब्रेक को रोक सके। भाई अगर तुम्हारे पास 10 केसेस आ गए, 10 केसेस को आइसोलेशन रख दो, मिलने मत दो, किस किस से मिला ट्रेस करो, सबको जानो पहचानो, ट्रेस करो, स्क्रीनिंग करो, दो बार, अभी पिछले आर्टिकल में पढ़ा पढ़ने की एक बार जो है झूठा रिजल्ट आ सकता है कि नेगेटिव निकल जाए लेकिन बाद में पॉजिटिव आ सकता है, तो दो बार टेस्ट करो, दो बार नेगेटिव निकले, दो बार अगर पता चले कि हाँ कोरोना वायरस नहीं है तब जाके उसको अनइंफेक्टेड सर्टिफाई करो। तो ये रिस्पॉन्स भी आप लिख सकते हो। लार्ज स्केल बिहेवियर चेंज जो है बेसिकली वो जरूरी है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए, लोग जो है मिलना जुलना बंद कर दे थोड़े समय के लिए, छुट्टियों पे जाना बंद कर दे थोड़े समय के लिए, तो और क्योंकि इबोला से हम सीख सकते हैं ना, देखो शॉर्ट टाइम में कैसे जो है इबोला को कंट्रोल में ला दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जो है बेसिकली जो अपने लॉन्ग टाइम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उनको छोड़ दिया, हाथ मिलाना छोड़ दिया, और कई चीज़ें थी जिनकी वजह से वायरस फैल सकता था उनको जो है छोड़ दिया। ईरान में बताओ डिप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर को हो गया इन्फेक्शन कोरोना वायरस, डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर को, सोचो वहाँ के जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनको तो क्या ही जो है यहाँ पे कितना खतरा लग रहा होगा। रिस्पॉन्स प्लान बेसिकली एक, हाँ ये भी जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, ये आप अपने जो है मेंस के आंसर में लिख सकते हैं कि एक तो हेल्थ, एनर्जी, डिफेंस और फूड सप्लाई को आइडेंटिफाई किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए भाई इन फील्ड में, इन सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे डिफेंस में हो, उन लोगों को इंश्योर किया जाए कि ये लोग उस बीमारी से पीड़ित नहीं हो। जैसे मान लो आर्मी है, अब मान लो अगर कई केसेस निकल के आए हैं, मान लो अगर लोग जा रहे हैं उनको अगर लेके आ रहे हैं एम्बुलेंस वगैरह में, चाहे कोई भी हो, तो उनको इन्फेक्शन नहीं है, उसके लिए प्रॉपर मास्क दिया जाए, प्रॉपर इक्विपमेंट दिया जाए,
हॉस्पिटल में गार्ड वगैरह जो होते हैं उनको भी होने की संभावनाएं हैं, तो उनको भी प्रॉपर इक्विपमेंट दिया जाए, प्रॉपर मास्क, प्रॉपर ड्रेस दिया जाए, उनको भी एजुकेट किया जाए। फूड सप्लाई जो वितरित कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। तो बेसिकली प्रायोरिटी हमारी ये रहनी चाहिए कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें। भाई बचाने वालों को अगर नहीं बचा पाएंगे हम, प्रोटेक्ट करने वालों को अगर स्टेट प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तो जो बीमारी से जूझ रहे हैं उनको तो क्या ही कर पाएगा। डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज सबको जो है यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी दिलवानी पड़ेगी और बेसिकली हमको इनका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा ही जो है लापरवाही होती है। हमारे देश में इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रैक्टिसेस काफ़ी लेनियंट है, काफ़ी जो है हल्का फुल्का लापरवाह है। आपको पता है, आपको हेलमेट के लिए, जब बहुत सारे लोग हैं देश में आपको पता है जो उनको हेलमेट के लिए बोल रखा है, क्योंकि उनकी उनके ऊपर जान के ऊपर खतरा रहता है, कल कोई एक्सीडेंट हो गया तो जो है मौत हो सकती है अगर सिर पर चोट लगी, तो हेलमेट इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन आज भी लाखों लोग जो है बिना हेलमेट के निकलते, क्यों? क्योंकि बस उनको लगता है कि बोझ है उनके ऊपर, जबकि ये नहीं पता कि उनकी ही सुरक्षा के लिए जरूरी है। वैसे ही हमारे यहाँ लापरवाही ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ पे डॉक्टर ना खुले रहते हैं, उन्हें से लेते हैं रिलैक्स्ड एटीट्यूड अपनाते हैं कि भाई हाँ सब कुछ सही है, जैसे कि सीट बेल्ट वाली जो, हेलमेट वाली जो चीज़ है। तो हमको रिस्क कम्युनिकेशन करना चाहिए कि लोगों को जो है कंफर्टेबल करना चाहिए कि हॉस्पिटल में आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ से मिलो, स्टाफ को भी इक्विपमेंट दो, प्रॉपर मास्क दो, सिक्योरिटी गार्ड को भी, नर्सेस को भी, रिसेप्शनिस्ट को भी, पैरामेडिकल वर्कर्स को भी, उनको भी जो इक्विपमेंट दो। ये जो है सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, गवर्नमेंट का काम थोड़ी है, ये सिटीजन्स का भी काम है, एजुकेटेड सिविल सोसाइटी का भी काम है, कई लोगों का काम है। तो ये सब जो है रिस्पॉन्स आप अपना सकते हैं। मेंस कैंसर के लिए भरपूर नॉलेज है इस आर्टिकल में। गवर्नमेंट को जो है क्लिनिकल गाइडलाइंस पब्लिश और ड्राफ्ट करने चाहिए कि भाई किस तरीके से जो है यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस काम करेंगी, पेशेंट को जो है एडमिशन करेंगी, पेशेंट्स को जो है किस तरीके से सपोर्ट देंगी, ये सब है जो है होना चाहिए, इनको अपडेट करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, वायरस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन इन्फोर्समेंट होना चाहिए, इक्विटी का ये देखना चाहिए कि वल्नरेबल्स जो है प्रोटेक्ट रहें और केयर से इक्वल असेस रहे। तो अभी तो देखो करंट जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हमारे देश में वो इनएडिक्वेट हैं, क्योंकि हमको इसके लिए जो है ये जानना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको आगे काम करना है, क्योंकि एम्बुलेंसेस कितनी चाहिए, वर्कर्स कितने चाहिए, सब हमको जानकारी लेनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट्स किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से पर्सनल्स को पूल किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा, किस तरीके से ट्रेंड किया जाएगा, और क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ऐसा नहीं है कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, आपको हेल्थ वर्कर की ज़रूरत है और आपने अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, अनएक्सपीरियंस लोगों को जो है हेल्थ वर्कर बना दिया सरकार ने, और वो इलाज ढंग से भी नहीं कर पा रहे, उल्टा उस चीज़ को फैला रहे। तो क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ के ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो प्रिपेयरनेस इज नाइदर द सोल डोमेन और नॉट दी प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। प्रिपेयरनेस केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आपको सब कुछ एडुकेट कर रखा है, सब कुछ आपको बता रखा है किस तरीके से काम करना चाहिए हॉस्पिटल में, मरीजों से कम मिलो, खांसी जुकाम आए तो बताओ और हाथ कम मिलाओ, हैंडशेक कम करो, लोगों से कम मिलो, छुट्टियां मत मनाओ। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं, प्राइवेट कंपनियों की, प्राइवेट कॉरपोरेट्स की भी जिम्मेदारी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की भी जिम्मेदारी है कि जो लोग इनके काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, अगर वो बीमार हैं तो उनको छुट्टियां दें, ख्याल रखें, ठीक है। तो ये जो है कंपनीज़ को भी अपनी तरफ से काम करना चाहिए कि भाई जिन लोग जो लोग बीमार है वो घर से काम कर सके और ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं करवाए और वर्क प्लेस को साफ़ सुथरा रखे, हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल रखे। अच्छा, एक मेन्स का आंसर आप इस तरीके से कर सकते हो बेसिकली इस आर्टिकल में, कि आप ना आंसर को तीन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। एक तो जो काम गवर्नमेंट कर सकती है, और जो एक तो प्राइवेट सेक्टर क्या काम कर सकता है, पब्लिक सेक्टर क्या काम कर सकता है। पब्लिक सेक्टर में जो जो आपको लग रहा है पब्लिक सेक्टर कर सकता है वो इसमें लिख दो, और प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों की तरफ से लिख दो। प्राइवेट सेक्टर में जो है यहाँ पे लिख दो कि हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल बना रहे, घर से काम कर सकते हैं, और जो है एक्सपेंसिव लीव पॉलिसीज होनी चाहिए, नहीं होनी बेसिकली जो है लीव पॉलिसीज जो है होनी चाहिए कि भाई छुट्टियों में काम कर सके घर बैठ के, और लोकल अथॉरिटी जो है वो स्कूल क्लोज कर सके, और अगर पता चले जैसे नोएडा के एक स्कूल में हुआ है अभी, तो यहाँ पे जो है लोकल अथॉरिटीज़ को भी अपना काम करना चाहिए। कंक्लूजन यही है कि इंडिया काफ़ी किस्मत वाला है कि हमने भी लिमिटेड केस देखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है बच जाएंगे आगे, आगे हमको सिचुएशन और बिगड़ सकती है, उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। रोस्ट के सीनेरियो के लिए अगर हम तैयार हैं तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुँच जाएंगे।
तो इस आंसर में आपको पब्लिक सेक्टर क्या कर सकता है ये भी मिल गया, प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है ये भी मिल गया, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से जो है गाइडलाइंस मानी जाए, रिलैक्स एटीट्यूड नहीं अपनाया जाए और खुद को और अपने आसपास के लोगों को एजुकेट किया जाए। तो ये तीन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सिटीजन्स, तीनों के लिए जिम्मेदारी इसमें बनती है और तीनों को जो है मेंस में आंसर आप डाल सकते हैं। अब ब्लॉग, ये देखो ये वाला जो आर्टिकल है क्रिकेट पे जो हम पढ़ेंगे नहीं, ये है ब्लॉग इन सोशल जस्टिस। देखो बेसिकली इस आर्टिकल में बात हो रही है कि अभी रिसेंट वर्डिक्ट आया दो जजेस का, सुप्रीम कोर्ट जो बेंच के थे उन्होंने जो है, सुप्रीम कोर्ट बेंच के दो जजेस का जो है वर्डिक्ट आया, उन्होंने रिजर्वेशन पे बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकता प्रमोशन में, ये फंडामेंटल राइट नहीं है और ना कोर्ट जो है वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है कि रिजर्वेशन दो, कंपलसरी है। मतलब ना सरकार बाइंडिंग है, ना सरकार बाध्य है रिजर्वेशन देने के लिए, ना कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकता है। फिर रिजर्वेशन देंगे कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ, चार प्रश्न यहाँ पे उठते हैं कि रिजर्वेशन प्रमोशन में फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, क्या कोर्ट स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है कि रिजर्वेशन दो, क्या क्वांटिफाइबल डाटा इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है। भाई अगर STSC का रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में कितना है इसके लिए डाटा देना ज़रूरी है क्या सरकार को, तभी जाकर रिजर्वेशन देना पड़ेगा क्या, ये ज़रूरी है ये देखेंगे। और क्या सरकार की ओब्लिगेशन है कि वो रिजर्वेशन दे, एक बार इससे पहले हम एक बार चीज़ पढ़ लेते हैं। ये है आपका आर्टिकल 16, ये कहता है इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नौकरियों में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहे, सबको समान अवसर प्राप्त हो, कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। इस आर्टिकल के अंदर पहला जो हमारा क्लोज है वो कह रहा है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर दिस स्टेट। सरकार के किसी भी रोजगार में, किसी भी अपॉइंटमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए हर सिटीजन्स के लिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो आप बोलोगे यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, फिर कुछ ही लोगों को फ़ायदा क्यों दिया जाता है फिर जब इक्वालिटी बनाए रखनी है। तो इसके लिए यहाँ पे चौथा क्लोज है, चौथा क्लोज यहाँ पे ये कह रहा है कि इस आर्टिकल में जो भी बातें लिखी हुई है ऊपर वो सरकार को नहीं रोकेगी ऐसा प्रोविजन बनाने के लिए जिससे सरकार को रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़े किसी भी बैकवर्ड क्लास के फेवर में, किसी भी पोस्ट पे, किसी भी अपॉइंटमेंट में, अगर सरकार को ऐसा लगता है इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट कि ये जो बैकवर्ड क्लास है सिटीजन्स की वो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है सर्विसेज में। तो पहले क्लोज में तो ये कह रहा है कि इक्वालिटी रहनी चाहिए, लेकिन चौथे क्लोज में जो है ये दे रखा है कि अगर लगता है कि यहाँ पे किसी भी क्लास का एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो यहाँ पे एक प्रोविजन बना सकती है रिजर्वेशन का। इसके लिए अब आपको, आप सोचोगे कि पहला क्लोज अलग है चौथा क्लोज अलग है, ऐसा नहीं है। चौथा क्लोज इसलिए बना है ताकि पहले क्लोज में जो है काफ़ी मजबूती आए, क्योंकि जब बैकवर्ड क्लासेस को हम जब प्रिजर्वेशन देंगे, जब वो ऊपर आएंगे, जब वो ऊपर बढ़ेंगे, जब उनका इकोनॉमिक स्टेटस मजबूत होएगा, तो अपने आप जो है आपका फर्स्ट क्लोज पूरा हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके सामने बैकवर्ड क्लासेस बैकवर्ड ही रह गए तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ है, ये बात इस आर्टिकल में कह। एक एक करके जो है हम आंसर ले लेते हैं। पहला प्रश्न तो ये था कि जो है क्या क्या पहला प्रश्न कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है या नहीं। देखो रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है या नहीं ये तो सर कोर्ट ने मना कर दिया, और बेसिकली मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं। बेसिकली यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि सेंटर को अब जो है एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से गुहार लगानी चाहिए कि ये फैसला जो है वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करे जिसमें जज भी जो है एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का हो। इसके अंदर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपील करे, ऐसा करे। 2018 में भी ऐसा किया गया था कि 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उन्होंने रिजर्वेशन को मना कर दिया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को गुहार लगाई थी, तो ये करना चाहिए। दूसरी बात, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। देखो आर्टिकल 60 का फोर्थ क्लॉज मैंने बता दिया जिसमें ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है अगर यहाँ पे ऐसा लगे कि एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और राइट टू इक्वालिटी हमारी प्रेम बल में भी है, और राइट टू इक्वालिटी हमारे इस 16 में भी है। 16 फर्स्ट क्लॉज में मैंने बताया था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन लोग ये मानते हैं कि रिजर्वेशन इसके अगेंस्ट है, लेकिन मैंने बता दिया कि अगेंस्ट क्यों नहीं है।
तो क्योंकि इक्वली अपॉर्चुनिटी की एब्सेंस रहेगी तो इक्वालिटी कहाँ से आएगी, इसलिए रिजर्वेशन देना जरूरी है ताकि जो लोग नीचे हैं बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको ऊपर लाया जा सके। तो राइट टू इक्वालिटी बेसिकली जरूरी है रिजर्वेशन के लिए ताकि लोग जो हैं बराबर आएँ। तो आर्टिकल 16 क्लोज 2 16 क्लोज 4 कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, मतलब आपको जो मैंने क्लोज 4 बताया वो किसी भी आर्टिकल से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। तो क्या रिजर्वेशन प्रमोशन में होना चाहिए, राइटर कह रहे हैं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पता है एसटीएससी के साथ कितना पूर्ण रिप्रेजेंटेशन होता है, उनको जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता, जुडिशरी में भी ये चीज़ दिखा है, तो इसके लिए इनको प्रमोशन देना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि तो इनेबलिंग प्रोविजन है, कोर्ट ने ऐसे कहा फंडामेंटल राइट नहीं है, कोर्ट ने साफ मना कर दिया, कोर्ट ने कहा कि इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन मतलब कि मैंने आपको आर्टिकल 16(4) और क्लोज 4 में बताया कि अगर स्टेट के ओपिनियन को लगे, स्टेट को अगर ऐसा लगे कि देना जरूरी है क्योंकि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तब जाके वो दे सकता है। तो अगर लगे तब ना, फंडामेंटल राइट तो है, कोई चीज़ फंडामेंटल राइट कब होती है, जब आपको मिले, कंडीशन कुछ भी हो आपको वो फंडामेंटल राइट सब आपके पास अवेलेबल है, लेकिन स्टेट को अगर ओपिनियन लगे ऐसा तब जाके रिजर्वेशन वो दे सकता है ना। तो ये किस सिर्फ एक इनेबलिंग प्रोविजन है, जो आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला जो 16 जो आपका 14 आर्टिकल है, जो आपका 16 आर्टिकल है उसको आगे बढ़ाने के लिए इनेबलिंग प्रोविजन है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो बेसिकली जजमेंट ने, वैसे जजमेंट का क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जजमेंट ने जो है इनेबलिंग प्रोविजन इसका बताया है, लेकिन ये गलत है, राइटर कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट है क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पुअर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और सोशल जस्टिस जो है इनको मिलनी चाहिए, इतने सालों से बैकवर्ड क्लासेज जो अत्याचार झेल रहे हैं। क्या कोर्ट को स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कोर्ट, मैंडामस आपने पढ़ी होगी जो रिट्स होती हैं मैडामस, क्या स्टेट को कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि रिजर्वेशन दो, क्योंकि देखो नहीं दे सकता। मैं आपको बताऊं, वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 142 के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, अपने जो है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करवा सकता है कि न्याय करवा सकता है अच्छे से, लेकिन बात यह कि मैंने कहा इन दी ओपिनियन ऑफ द स्टेट, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था। तो जब तक ओपिनियन नहीं बनेगा स्टेट का तब तक जो है सरकार तब तक रिजर्वेशन नहीं दे सकती और कोर्ट इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता। एक यहाँ पे मैं कमी इस चीज़ की आपको बता दूँ कि जब भी रिजर्वेशन देने की जरूरत हो तब तो स्टेट को डाटा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, और जब रिजर्वेशन नहीं देना हो तो स्टेट को कोई डाटा देना ही नहीं पड़ेगा। भाई आर्टिकल में यही तो लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन देना हो तो ओपिनियन लेना पड़ेगा सरकार का, तब जाके दे सकते हैं, डाटा देखना पड़ेगा, और नहीं देना हो तो इसके बारे में कुछ है ही नहीं। तो अच्छा काम करने के लिए तो मुश्किल है और गंदा काम करने के लिए जो मुश्किलें नहीं है, तो ये भी एक कमी है, ठीक है। तो बेसिकली बात यही निकल के आती है कि सरकार पे कोई भी बाइंडिंग नहीं है रिजर्वेशन देने के लिए, लेकिन रिजर्वेशन जो है एक ऑब्लिगेशन है कि अगर यहाँ पे डाटा निकल के आता है, ओपिनियन बनता है कि यहाँ पे एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आपको रिजर्वेशन देना जरूरी है। लेकिन राइटर यहाँ पे इसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहते हैं कि इनेबलिंग प्रोविजन की वजह से जो है यहाँ पे केवल स्टेट को एक डिस्क्रिशन पावर दे दी जाती है, स्टेट अपनी मर्जी से करेगा तो करेगा नहीं तो नहीं करेगा और ये बहुत डेंजरस है। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी दिया जा रहा है। तो आप अगर मेंस में आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो है अगर आपको क्रिटिसिज्म करना हो तो आप कर सकते हैं बेसिकली। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि रिजर्वेशन देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़िशेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा। भाई अगर हम रिजर्वेशन देंगे, कैपेबिलिटी नहीं देखेंगे, मेरिट्स नहीं देखेंगे, एफिशिएंसी नहीं देखेंगे काम करने वालों की, उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दे देंगे तो प्रशासन की काम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? देखो यहाँ पे राइटर ऐसा कह रहे हैं कि अब तक कोई डाटा ऐसा नहीं आया कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ा हो, और ये केवल एक झूठी बात है जिसकी वजह से रिजर्वेशन को डाइल्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे यही कुछ पॉइंट्स हैं जो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं, और बेसिकली ये जो जजमेंट है इसके बारे में मैंने कई बार आपको न्यूज़पेपर्स में बता दिया, तो आप जो है अगर आप फॉलो करते हुए रहेंगे तो आपको उसके बारे में पता होगा। देखो डिमोलिशन ऑफ रीजन एंड द लीगेसी ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, द डिमोलिशन ऑफ रीजन ये बेसिकली आपका जो है एक GS4 एथिक्स का पार्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि रीजन का डिमोलिशन कैसे हो रहा है। रीजन मतलब कारण, लॉजिकल रीजनिंग, आप जो है हर चीज़ में रीजनिंग लगा रहे हो, जो आपसे कहा जा रहा है वही नहीं मान रहे, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, और क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस।
अब इसका रीजेंट डिमोलिशन कैसे हो रहा है, इसका जो एग्ज़ाम्पल है ये हमारे राइटर राजीव भार्गव जी जो मेरे फेवरेट हैं, वो कह रहे हैं कि आप टीवी चैनल पे डिबेट देखो, न्यूज़ चैनल पे लड़ते रहते हैं न्यूज़ वाले एंकर, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है, रूलिंग पार्टी से सवाल करो तो कहती है कि जो पिछली सरकार थी उसने भी जो है घोटाले किए थे, उसने जो भी ऐसे किए थे। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से डिबेट चल रही हैं, सवाल पूछने नहीं दिया जाता, पूछते हैं तो पिछली सरकार पे आरोप लगा दिया जाता है। ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई चोर है, 40 साल पहले उसने चोरी की है, आज उसको सज़ा मिल गई उसकी, लेकिन आज अगर उसके खुद के साथ चोरी होती तो पुलिस वाले मना कर दिए कि नहीं तुमने चोरी की थी और तुम चोर थे लेकिन है ना, और इसी वजह से तुम्हारे साथ चोरी हुई इसलिए हम जो है तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि तुम चोर थे। तो आज अगर हमारी अपोजिशन पार्टी सवाल नहीं पूछेगी रूलिंग पार्टी से, क्योंकि इस वजह से ही, केवल क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने भी गलत काम किए थे, जैसे इमरजेंसी कांग्रेस सरकार ने की थी, तो जब भी रूलिंग सरकार से बीजेपी से पूछो कि भाई आपने दिल्ली दंगों में आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी रही है या फिर क्यों क्या कैसे क्या, तो कहते हैं कांग्रेस से सवाल पूछो कि 1984 के दंगे कैसे हुए थे और इमरजेंसी क्यों लाए थे। तो ये राइटर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि रीजन नहीं है, केवल इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, रीजन नहीं है। तो यहाँ पे जीएस फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली बता सकते हो कि किस तरीके से जो रीजन का डेमोलिशन हो रहा है। भाई आज जो फेक न्यूज़ इतनी बढ़ रही है, अब आप उसको फेक न्यूज़ पे देखो, ये चीज़ आर्टिकल में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम किसी भी वीडियो को, किसी भी जो है पोस्ट को सच मान के फॉरवर्ड कर देते हैं, एक बार दिमाग भी नहीं लगाते कि क्या ये चीज़ झूठी हो सकती है, क्या चीज़ सच है। तो रीजन का डिमोलिशन यहाँ भी दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर जीएस फॉर्म में एथिक्स में आ जाए तो आप फेक न्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, डिबेट न्यूज़ जो टीवी चैनल्स पर डिबेट्स होती है उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये बेसिकली जो है इस तरीके से रीजन का डिमोलिशन हो रहा है। द लीगेसी ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। देखो बात इसमें ये हो रही है कि डोमेस्टिक वॉयलेंस में बात हो रही है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि आज देश में महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, जो पुरुष जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, जो मेल फीमेल पे डोमिनेंस करते हैं, वो क्यों करते हैं। अब आप कितने भी कानून ला दो, कितने भी सजाएं ला दो, कानून पहले से हैं, डर होता तो रेप होने, वॉयलेंस होना बंद हो जाता है, लेकिन जो जड़ है ना, जड़ वो आप पकड़ नहीं पा रहे, सरकार वो जड़ तक नहीं जा पा रही, जा रही है लेकिन इंटेंशन उतनी तेज़ी से, एक्शन उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा। आज कोई व्यक्ति जो एडल्ट है और वो अगर किसी महिला पर अत्याचार करता है या अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है या वॉयलेंस करता है या किसी भी औरत को अपने से नीचे समझता है या डोमिनेंस करने की कोशिश करता है, समझता है कि औरतें कुछ भी नहीं करती, वो ऐसा क्यों सोचता है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे इंसानों में कोई भी विचार अपना खुद का नहीं होता। आज मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ ये मैंने एक द हिंदू में पढ़ा होगा, कल कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तब जाके मैं बता रहा हूँ, आप मेरे से सुनोगे, आप किसी और को बताओगे, तो हमारे जो ओपिनियन है हमारे खुद के कभी है ही नहीं, वो असल में दूसरों के ओपिनियन है। तो इसका इफ़ेक्ट उन लोगों पे पड़ता है, उन बच्चों पे पड़ता है जो घर से शुरू से अपने घर में वॉयलेंस कर दिख रहा है उनको। बच्चा है छोटा सा, 5 साल का 10 साल का, उसको दिख रहा है कि उसके मम्मी पापा लड़ रहे हैं और पापा ने जो है मम्मी को स्लैप कर दिया, पापा जो है मम्मी को गालियाँ दे रहे हैं और बच्चा अगर कुछ बोल रहा है बच्चे को भी पीट रहे हैं। वो देखता है अपनी माँ के जो है शरीर पर निशान है, वो देखता है इंजरी है, उससे क्या सीखता है कि किसी भी मेल को फीमेल पे डोमिनेट करना है तो वॉयलेंस करनी पड़ेगी। इस डर को वो छुपा लेता है, इस इनसिक्योरिटी को छुपा लेता है, इस बात को छुपा लेता है, ना किसी से शेयर कर पाता है। तो कभी भी एक वुमेन से कैसे डील करना है, उसको एक ही रास्ता नजर आएगा, वॉयलेंस, मारपीट या गाली गलौज। तो जब उसकी शादी होगी, जब वो बड़ा होएगा और उसको ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ जाती है जिसमें उसकी फीमेल या उसकी वाइफ के साथ जो है एक ऐसा जो है सिचुएशन आ जाती है जिसमें दोनों के विचार अलग अलग, हो सकता है वो वॉयलेंस पे उतर आए। और ऐसा देखा गया है कि 40% इंटरजनरेशन ट्रांसमिशन होता है, यानी 100 लोग अगर घर पर मारपीट करते हैं तो 40 लोगों के बच्चे भी अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसके साथ मारपीट करेंगे, अपनी आने वाली जो वाइफ है और जो महिला है उनके साथ, उनको नीचा देखने की कोशिश करेंगे। आज देश में जो रेप्स हो रहे हैं, जो देश में फीमेल वॉयलेंस हो रही है, ये सब इसकी वजह से ही है। याद रखना, क्राइम घर से शुरू होता है,
माइंडसेट घर से बनता है। जिस तरीके से घरों में वायलेंस की जा रही है वो बच्चा बड़ा होके वही चीज़ सीखता है। हम सरकार के कई कानून हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मेन से में आंसर आ जाए तो आप लिख सकते हैं। वैसे जैसे मैं आपको बताऊँ, सरकार ने कई चीज़ें की हैं। सरकार ने जो है वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए हैं, वुमेंस के लिए जो है हेल्पलाइन भी जारी की हैं, और मेंटल और बच्चों के लिए भी किया, ऐसी बात नहीं, बच्चों के लिए भी किया, जैसे आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो आप अपने मेंस के आंसर में लिख लो कि सरकार ने क्या किया। लेकिन कमी कहाँ है, कमी कहाँ यही है कि इस एक्ट को भी बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक वॉयलेंस जो है वो अभी भी नज़र आ रही है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एक तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स इस दिशा में आगे बढ़ाने चाहिए, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कोई बच्चा हो, कोई महिला हो जो, और कोई पुरुष हो जो इस चीज़ से जूझ रहा हो, जिसको लगता है कि उसके घर में उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा या फिर लड़ाइयाँ हो रही है, तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए जो डोमेस्टिक वॉयलेंस को भी कवर अप करें। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड मेंटल हेल्थ केयर होनी चाहिए, एक प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए, और क्या करना चाहिए हमको, स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, स्कूल्स में मिलके जो है काम करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम, और जो है वैसे तो हमारे देश में देखो ऐसे ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन जरूरी है, और जितना आगे इनको हम सेटअप करते जाए उतना ज़रूरी है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, ये सब हम कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल में जो है प्रॉब्लम बता रहे हैं, और जो मैंने आपको बताया अभी वो सॉल्यूशन था। प्रॉब्लम मैंने आपको आर्टिकल के शुरू में ही बता दिया था, जिसमें आप डाटा लिख सकते हैं इंटर जनरेशन ट्रांसमिशन वाला कि 100% में 100 घरों में मारपीट हो रही है, तो 40 घरों के बच्चे जो भी वो अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ मारपीट करेंगे। डाटा लिख सकते हो, बता सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे के करियर पे आगे इफेक्ट पड़ता है, बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी, रीजनिंग की एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी जो है बिगड़ जाती है, इमोशनल एबिलिटी खराब हो जाती है, बच्चा जो है वुमेन को डोमिनेट करने की सोचता है, बच्चा जो है अपनी बच्चे में इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फियर ज़्यादा हो जाता है, ट्रॉमा जो है काफ़ी ज़्यादा उससे जूझना पड़ता है उसको। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।